नमस्कार मित्रों, आइए हम आपको सिखाते हैं कि प्लाट को कैसे मापते हैं। जैसे कोई प्लाट दिया हुआ है, उसकी लंबाई जो है, ये लंबाई 50 फीट और 4 इंच है और चौड़ाई उसकी जो है 20 फीट और 5 इंच है। यहाँ देखे हुआ 20 फीट और 5 इंच है। तो इसको हम कैसे नापेंगे, इसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर आप ज़मीन लेते हैं तो डीलर जो है उसको सही मापते नहीं हैं। तो लंबाई इसकी है 50 फीट और 4 इंच, चौड़ाई इसकी है 20 फीट और 5 इंच। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर हो जाता है क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने किया है, जो यहाँ किया गया है, जिसे लंबाई आपका जो है 50 फीट 4 इंची है, चौड़ाई जो है 20 फीट 5 इंची है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इसका लंबाई और चौड़ाई यानी 50 और 20 का जो है गुणा कर दिया है। तो उत्तर आ गया है 10,33.20 वर्ग फुट। तो इतना जो है वर्ग फुट आ गया। तो ये जो मिल रहा है आपका, क्या मिल रहा है, ये वर्ग फुट में आ गया। यानी अगर आपके किसी खेत की या प्लाट की लंबाई जो है 50 फीट 4 इंची है और चौड़ाई 20 फीट 5 इंची है, तो उसका जो है वर्ग फुट में कितना हो जाएगा, 10,33.2 वर्ग फुट हो जाएगा। लेकिन क्या इस तरह से जो मापते हैं वो डीलर, वो सही नहीं है। तो सही क्या है, ये जो है गलत है, ये सही नहीं है। तो आइए सही माप को मैं सिखाता हूँ। सही माप क्या है, सही माप के लिए हमें जो है क्या करना होगा, जैसे उसकी चौड़ाई जो है 20 फीट 5 इंची है, तो इसको हम बदलेंगे इंच में। तो एक इंच में है, एक इंच में जो है, एक इंच में होता है 12 फीट में होता है 12 इंच, एक फुट में होता है 12 इंच। तो 20 फुट 5 इंच है, तो इसको हम कर लेंगे 20 × 12 × 5 इंच, बराबर हो जाएगा 245 इंच। 245 इंच हो गया, ये चौड़ाई हो गया इसका 245 इंच। और लंबाई देख लेते हैं, जैसे 50 फीट 4 इंच है, तो 50 × 12 × 4 इंच, बराबर हो जाएगा 604 इंच। ये हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, इंच में हो गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। जब हम इंच में निकालेंगे तो उसका एरिया जो है सही आएगा। अब इसका जो है हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे हो जाएगा 604 × 245, बराबर हो जाएगा 14,000, हो जाएगा 14,07,980 वर्ग इंच हो जाएगा। ये यानी 14,07,980 वर्ग इंच हो जाएगा, ये वर्ग इंच हो गया आपका एरिया जो है, इतना वर्ग इंच हो गया। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं फीट में बदलने का। तो जैसे कि एक फुट में होता है 12 इंच, तो एक वर्ग फुट बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 12। वर्ग क्या होता है, एक लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देते हैं, वर्ग हो जाता है। अगर एक लंबाई भी है और एक चौड़ाई भी है, तो ये हो गया वर्ग, यानी 1 × 1 या 2 × 2, ये वर्ग हो जाता है। तो हो जाएगा 12 × 12 = 144 वर्ग इंच, ये हो गया वर्ग इंच हो गया। तो 14,07,980 वर्ग इंच का जो है वर्ग फुट कितना हो जाएगा, इसका वर्ग फुट हो जाएगा 14,07,980 × 144, बराबर हो जाएगा 10,27.638 वर्ग फुट हो जाएगा ये। अब देखिए अंतर आपको दिखाते हैं। अंतर देखिए, जब हम उस तरह से निकाले थे जो है, तो हमारा आया था जो है, ये आया था हमारा 10,33.2
शून्य वर्ग फुट। और हमारा अब देखिए कितना आ रहा है अंतर जो है, आपको ही मैं दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि अंतर देखिए, पहला हमारा आया था 1033 और अब आ रहा है 1027.63, यानी लगभग 6 फुट का जो है अंतर आ गया। अगर आप मान लीजिए 1000 फुट लेते हैं तो 6 फुट का आपका 6000 नुकसान हो जाएगा, आपकी ज़मीन भी कम हो जाएगी, आपको जो इतना नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है अंतर। तो कभी भी ज़मीन लें तो उसको वर्ग इंच में बदलें और फिर जो है वर्ग फुट में बदलें तो आपका माप जो है सही होगा, इसी प्रकार से मापना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।